अगर मन करे आपको हल्का फुल्का और हेल्दी खाने का, तो आप ये मिनटों में इडली और चटनी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल और दाल को पहले से भिंगो कर रखा है। तो मैंने नॉर्मल चावल जो डेली मैं यूज करती वही चावल को मैंने भिंगोया है। तो 4 कप मैंने चावल लिया है और 1 कप मैंने यहाँ उड़द के दाल भिंगोया है। तो मैंने अलग अलग भिंगोया है, आप चाहे तो दोनों को साथ में भी भिंगो सकते हैं। तो यहाँ मैं मिक्सी जार में डाल लेती हूँ, दोनों को मिलाकर मैं पीस लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारा चावल दाल को मैं पीस कर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा चावल दाल को पीस लिया है, तो इसे 7 से 8 घंटे के लिए मैं फूलने के लिए रख दूँगी। इससे जो इडली है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है। अगर आपको ज़्यादा समय है तो इसे रात भर के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 7 से 8 घंटा हो गया है और ये देखिए बिल्कुल ये फूल गया है। मैं इसे मिला लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक से जो टेस्ट इडली में बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया था और ये मैंने इडली स्टैंड लिया है और थोड़ा थोड़ा करके घोल को इसमें डालते जाऊँगी और इसी तरह से बाकी का जो इडली स्टैंड है इसमें भी मैं डाल लूँगी। तो ज़्यादा भर के नहीं रखना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और यहाँ पर जो पानी है जो गर्म हो गया है, तेज़ करके स्टैंड को मैं डाल देती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर गैस को भी मैंने मीडियम में रखा है, मीडियम गैस पर इसे 10 से 15 मिनट तक पकने देती हूँ। मूंगफली का चटनी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन रखा है और 1 कटोरी मैंने इसमें मूंगफली का दाना डाला है। थोड़ा सा मैं इसमें चना दाल डालूँगी और दोनों को मिलाते हुए मैं भून लूँगी। अगर आपको चना दाल नहीं पसंद है तो आप सिर्फ मूंगफली का भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी बनाकर देखें फ्रेंड्स, चटनी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर अच्छे से भुना गया है तो मैं इसे मिक्सी जार में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 2 हरा मिर्च और थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला है। थोड़ा सा मैंने यहाँ सूखा नारियल डाला है, इसके जगह आप फ्रेश नारियल भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए। तो इसमें मैंने पीसते वक्त नमक नहीं डाला है, अब मैं इसे नमक डाल देती हूँ और दोबारा से मैं इसे पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से इसे पीस लिया है, इसे नमक अच्छे से ऊपर नीचे मिल जाता है। तो इसे साइड में रख देती हूँ और तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने तड़का पैन रखा और 1 चम्मच मैंने तेल डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का दाना डाला है और 1 मैंने इसमें लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता डाला है। अब हमारा जो तड़का है रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब मैं ऊपर से चटनी के डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारा चटनी भी बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो इसे साइड में मैं रख देती हूँ और यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गया है और इडली भी हमारा पक गया है, ये देखिए। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, गैस को मैंने बंद कर दिया है, ठंडा होने के बाद मैं इसे निकालूंगी। तो यहाँ पर ठंडा हो गया है और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी स्टैंड में भी चिपकता नहीं है। अगर गरम गरम में निकालिएगा तो ये चिपकता है और ठंडा होने के बाद ये आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरह से सारा मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्व किया है चटनी और ये मैंने मसूर और ये लौकी का दाल मैंने बनाया उसके साथ सर्व किया है। तो मैंने मसूर का हेल्दी दाल रेसिपी में डाला है, वहाँ से भी आप ये रेसिपी देख सकते हैं। इसके साथ जो इडली का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपने नहीं खाया है फ्रेंड्स, तो एक बार मेरे तरीके से आप इडली चटनी और ये दाल ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके सामने आपको सांभर भी फीका लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।